वार्म ग्रीटिंग फ्रेंड्स, हम लोग सी ए फाइनल ओल्ड सिलेबस नवंबर 2018 का इनडायरेक्ट टैक्स का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। मैं सी एस के अग्रवाल, आई सी आई एंड आई सी एस आई टैक्स फैकल्टी प्लस 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। क्वेश्चन वन और टू हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। तो क्वेश्चन थ्री ए 9 मार्च का है, ये हमारी बुक है जीएसटी वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 और ये सेक्शन 17 ऑफ आईजीएसटी है, सीजीएसटी नहीं है, सेक्शन 17 ऑफ आईजीएसटी है। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए मेक्स इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स वैल्यूड एट ₹50,000 टू बी विद इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। ए, तो देखिए हमने क्या किया, एक चार्ट बना दिया, ए कर्नाटका का है, वो बी कर्नाटका को इंट्रा स्टेट से सप्लाई कर रहा है। वैल्यू 50,000, रेट जीएसटी का उन्होंने लिखा हुआ है 18% 9+9। फिर बी इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है एक्स लिमिटेड को, जो तेलंगाना में है, तो हमने बी से एक्स लिमिटेड किया, इंटर स्टेट सप्लाई है तेलंगाना में। फिर एक्स लिमिटेड वाई जो तेलंगाना में ही है उसको इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहा है बाय एडिंग 10% मार्जिन, यानी कि जब जब सप्लाई हो रहा है तो 10% मार्जिन में हो रहा है, ठीक है। बस इसी को हमने कैलकुलेट कर लिया, बड़ा आसान था। वैल्यू 50,000, सीजीएसटी एसजीएसटी 99% करके इतना आ गया। अब इसके लिए बी के लिए कॉस्ट क्या आएगा, 50,000 10% प्रॉफिट मार्जिन पे 55,000, और क्योंकि ये इंटर स्टेट सप्लाई है तो 18% इसका ले लिया, तो इतना आ गया। उसके बाद ये इंटर स्टेट सप्लाई है, इस पे 55,000 में भी हमने 10% मार्जिन जोड़ के इतना ले लिया, और क्योंकि लोकल है इंट्रा है तो 9+9 इतना कर लिया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट टैक्स पेबल एट ईच स्टेज ऑफ द ट्रांजेक्शन डिटेल्ड अबव, वेर एवर इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल एंड कैन बी यूटिलाइज, कैलकुलेट द नेट टैक्स पेबल इन कैश at each stage of the transaction, indicate which government will receive the tax paid and to what extent. Now, ये जो last वाला है यही section 17 में लिखा हुआ, बाकी तो 49 का past है। तो देखिए हमने क्या किया, ये A कितना payment करेगा, हमने मान के चला इसका input tax credit 0 है, तो A will pay CGST account में 4500, SGST account में 4500, किसको देगा, कर्नाटका government को देगा, 9000 चला गया cash में देगा। इसके बाद बी जब एक्स लिमिटेड को बेच रहा है, जो इंटर स्टेट सप्लाई है, क्योंकि ये आई है तो ये आउटपुट टैक्स इसका 9900 होगा, इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट सी और एस का मिल गया, जो इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, तो कैश में 900 पे करेगा। फिर ये तेलंगाना एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को इंटर स्टेट सप्लाई, इसका आउटपुट टैक्स सी प्लस एस है, लेकिन इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट 9900 का मिलेगा, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा और 990 मिलेगा, और ये पहले सबसे पहले सी के साथ एडजस्ट होगा, तो हमने ये सी के साथ एडजस्ट किया, बचा हुआ 9900 में 5445 माइनस कर दूंगा, तो ये 4455 बचेगा, ये 990 एसजीएसटी के अकाउंट में जमा करवाएगा, ठीक है। अब ये तो बहुत आसान था, हर कोई कर चुका होगा। अब जो लास्ट का था कि गवर्नमेंट को कितना क्या मिलेगा, तो देखिए हमने इसके लिए क्या किया, फंड बनाया सीजीएसटी के एस जीएसटी यानी कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी आईजीएसटी और तेलंगाना स्टेट जीएसटी। फर्स्ट स्टेज ये वाला, सेकंड स्टेज ये वाला, थर्ड स्टेज ये वाला, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में देखिए क्या हुआ, इसको देखते हैं। आईटीसी के रूप में कुछ भी पेमेंट नहीं हुआ, जो भी पेमेंट हुआ वो कैश में पेमेंट हुआ, 4500 तो 4500 सेंट्रल गवर्नमेंट और ये 4500 कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट के पास चला गया। सेकंड स्टेज में क्या हुआ कि ये 9900 आउटपुट टैक्स था, तो ये 9900 पे कैसे हुआ, ये 4500 ये सी और एस दोनों यहां एडजस्ट हुआ, तो ये 4500 प्लस 4500 दोनों आई के साथ एडजस्ट हुआ, तो जब भी एडजस्ट होगा तो ये सी का पैसा आई में चला गया होगा, ये कर्नाटका स्टेट का पैसा भी आई में चला गया होगा, तो ये अब ये 9900 कहां पड़ा हुआ है, आईजीएसटी के अकाउंट में पड़ा हुआ है। थर्ड ये वाला कितना आउटपुट टैक्स है, सी का 5445 है और तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट का 5445 है। ये पेमेंट कैसे हुआ, 9900 जो आईटीसी के रूप में पड़ा हुआ था आई में, ये पहले सी के साथ पूरा एडजस्ट होगा, तो हमने ये सी के साथ पूरा एडजस्ट कर लिया, उसके बाद बचा हुआ एस के साथ एडजस्ट होगा, जो हमने यहां एडजस्ट कर लिया, कैश कितना पेमेंट करेगा 990। तो अल्टीमेटली जहां कंज्यूम हुआ है ये गुड्स, वहां पर वो पूरा पैसा पहुंच गया, तेलंगाना स्टेट में कंज्यूम हुआ, तो सारा का सारा पैसा तेलंगाना स्टेट में पहुंच गया। 5445 5445। लास्ट पॉइंट टैक्सेशन सिस्टम, ठीक है।
अगला करते हैं क्वेश्चन 3B मार्क्स 3 कंपोजिशन सप्लाई का है, बहुत आसान है। एमएन लिमिटेड हैज टू रजिस्टर्ड बिजनेस वर्टिकल्स इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। अब देखिए सेम स्टेट में उसके रजिस्टर्ड बिजनेस वर्टिकल्स है तो उसने दो रजिस्ट्रेशन लिए हुए, पॉसिबल है उसके पास ऑप्शन था एक ही लेने का। इट्स एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर फॉर बोथ द बिजनेस वर्टिकल वाज 62 लाख। तो अगर आप एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट देखेंगे तो ही इज एलिजिबल फॉर या इट इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लिवाई। इट विशेस टू ऑफ फॉर कंपोजिशन लिवाई फॉर वन ऑफ द वर्टिकल्स इन द करंट ईयर, ये नहीं हो सकता। एंड वांट्स टू कंटिन्यू विद रजिस्ट्रेशन एंड पे टैक्सेस एट मेरिट रेट फॉर द सेकेंड वर्टिकल दैट इज नॉर्मल रेट। कैन एमएन लिमिटेड डू सो, एक्सप्लेन विद रीजन। नो, एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 के प्रोवाइजो में लिखा हुआ है कि अगर जाना है तो सबको एक साथ जाना होगा, मरेंगे तो सारे साथ में मरेंगे, एक एक करके कोई नहीं मरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3C 3 मार्क्स, ये कस्टम्स का 75A और 28AA, और ये शायद मई 2003 में भी आ चुका और आपके स्टडी मटेरियल में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब्दुल ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड वाज एरोनियसली रिफंडेड अ सम ऑफ 30,000 एक्सेस ऑफ एक्चुअल ड्रॉबैक ऑन 16 जून 2017। तो 17 जून से उसकी इंटरेस्ट की लायबिलिटी शुरू हो जाएगी और जब तक वो पेमेंट नहीं करता तब तक रहेगी। ए डिमांड फॉर रिकवरी ऑफ द सेम वाज इशूड बाय डिपार्टमेंट ऑन 24th August 2017। अब्दुल ओवरसीज रिटर्न द एरोनियस रिफंड टू द डिपार्टमेंट ऑन 16 अक्टूबर। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट। तो ये बड़ा आसान था, डिले पीरियड ये सब कैलकुलेट कर लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है जो 28AA में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये भी हो गया। थैंक यू सो मच। और एक बार taxbykk.com जरूर विजिट कीजिएगा जहां पर आपको वीडियोस, बुक्स, एक्सेल शीट्स और टेस्ट सीरीज भी मिलेगा जो हमने CA, CS, CMA और GST प्रैक्टिशनर्स वालों के लिए लिखा हुआ है। और हमने एक प्रोफेशनल बुक्स भी रिलीज की हुई है जो कंप्लीट GST रेफरेंसर बुक, उसको भी आप देखिएगा अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो। थैंक यू सो मच।